वंदे मातरम दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली सर में आपका स्वागत है। और आज आपका एसएससी जीडी के लिए जो पहला प्रश्न है, वो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 13 फरवरी, दूसरा ऑप्शन 14 फरवरी, तीसरा ऑप्शन 15 फरवरी, चौथा ऑप्शन 16 फरवरी। आपका यहाँ पर जो सही जवाब है वो है 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो 1945 ईस्वी में इसी दिन यूएनओ में रेडियो का प्रसारण हुआ था, और पहली बार जो यह रेडियो दिवस मनाया गया था यह 2012 में मनाया गया था। रेडियो जो है उसकी उसका आविष्कार जो इटली के मार्कोनी नामक वैज्ञानिक किए थे 1895 ईस्वी में। अगर आपको पूछ दे कि भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ था, तो 1927 में मुंबई में हुआ था, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसका भी प्रसारण आपको रेडियो में ही हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का एक रेडियो था, उसका नाम था आज़ाद हिंद रेडियो। उसका प्रसारण 1942 में जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और वर्तमान में आप जानते ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी अपने मन की बात किस माध्यम से करते हैं, तो रेडियो के माध्यम से करते हैं। रेडियो सर्वत्र सुलभ है, इस कारण से रेडियो में इसका प्रसारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, रक्षा किस सूची का विषय है? पहला ऑप्शन संघ सूची, दूसरा ऑप्शन समवर्ती सूची, तीसरा ऑप्शन राज्य सूची, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है संघ सूची। रक्षा जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। वर्तमान में आपको संघ सूची में आपको 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, जिनमें अगर आप संघ सूची में जाइएगा तो बहुत सारे विषय आते हैं जिनमें आपको रक्षा है, विदेश है, युद्ध है, संधि है, रेल है, बंदरगाह है, हवाई जहाज है, डाक है, तार है, टेलीफोन है, बीमा है, खान है, खनिज है, नागरिकता है, जनगणना है, बैंक है, मुद्रा है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे आपको पूछ देता है मुद्रा किसका विषय है, तो आपको संघ सूची बताना होगा। खनिज किसका विषय है, तो आपको बताना होगा संघ सूची। संघ सूची मतलब आप सिंपल सा समझ लीजिए, केंद्र सरकार जिसको ऑपरेट कर दे उसको आप संघ सूची कहेंगे। ये जो अनुसूचियाँ होती हैं ये संविधान के भाग 7 में होती हैं, और इसके बाद संघ सूची के अलावा समवर्ती सूची है और आपको राज्य सूची भी है। तो ध्यान रखिएगा, संघ सूची के अंतर्गत जितने आपको विषय आते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वो इम्पोर्टेंट विषय हैं जिनको हम यहाँ पर आपको बताए हैं, उनको कंठस्थ कर लीजिएगा, आपको हर एग्जाम में काम आएगा। आपका अगला प्रश्न है, एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। पहला ऑप्शन गौरैया, दूसरा ऑप्शन गिद्ध, तीसरा ऑप्शन चील, चौथा ऑप्शन हमिंगबर्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड को हिंदी में गुंजन पक्षी कहा जाता है। अब थोड़ा इस पक्षी के बारे में जानते हैं, बहुत ही अजूबा पक्षी है। सबसे पहले तो जानिए कि पीछे की ओर उड़ता है, उड़ सकता है। हमिंगबर्ड जो है यानी कि गुंजन पक्षी जो है उसका जो साइज होता है वो 7.5 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर के बीच होता है। ये इसका वजन अगर देखिएगा तो 2 ग्राम से 20 ग्राम तक का होता है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेकलिडी होता है। अब इसके बारे में कुछ खासियत उसको जानिए, ये हर 10 मिनट में ये खाना खाता है। अगर इसको हर 10 मिनट में खाना नहीं मिलेगा तो ये तुरंत मर जाएगा। एक दिन में समझ लीजिए ये 77 बार खाना खाता है। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो एक दिन में 77 बार खाना खाता है, और हर रोज लगभग 1000 फूलों का रस को चूस लेता है। कौन? यही है हमिंगबर्ड, यही है गुंजन पक्षी। इसका और एक खासियत जानिए, एक सेकंड में ये 80 से 100 बार फड़फड़ाता है, और इसका चाल जो होता है वो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है। यही है आपका गुंजन पक्षी, इंग्लिश में इसको कहते हैं हमिंगबर्ड। ये दुनिया की सबसे छोटी पक्षी भी है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन अमेरिका, चौथा ऑप्शन भारत। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा भारत। चीन हमसे जनसंख्या के मामले में आगे है। 2019 में आपको चुनाव हुआ और उसमें लगभग 90 करोड़ मतदाता थे। इसके साथ भारत जो है विश्व का सर्वाधिक मतदाता वाला देश बन गया। अब देखिए, ये मतदान जो है ये चुनाव आयोग करवाता है, तो हमको जानना चाहिए या फिर हमको नोट डाउन भी कर लेना चाहिए इस बात को कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी के कारण से आपको अगर मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी मिलता है, आपका नाम ऐड नहीं है, तो आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है। उसका भी जो टोल फ्री नंबर जो है वो है 1950। अगर आपको पहचान पत्र में भी कोई गड़बड़ी होता है तो उसके लिए भी आप 1950 में डायल कर सकते हैं। अगर पूछे विश्व में सबसे पहला वह पहला देश कौन है जो महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, तो वो है आपको न्यूजीलैंड।
आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन घर किसके बने हुए थे? पहला ऑप्शन ईंट, दूसरा ऑप्शन पत्थर, तीसरा ऑप्शन लकड़ी, चौथा ऑप्शन सीमेंट। तो यहाँ पर आपका सटीक और सही उत्तर जो है वह है पहला ऑप्शन ईंट। हड़प्पा कालीन घर किसके बने हुए थे? ईंट के बने हुए थे। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता है या पूछा है, पहले भी पूछ चुका है कि हड़प्पा कालीन घर के जो ईंट है उनका आकार क्या है। तो उनका आकार जो है, आकार का जो अनुपात है वो क्या है, तो वह है 4:2:1, यानी 4:2:1 कहने का मतलब है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अच्छी तरह से समझ लीजिए, 4:2:1। देखिए, बहुत तरह का ईंटा हड़प्पा कालीन शहर में पाया गया है, जिसमें अगर पूछा कि कच्चे ईंटों से किसका निर्माण होता था, तो कच्चे ईंट से आपको रक्षा का दीवार बनता था, रक्षा दीवार जिसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, चबूतरा बनता था, सड़क बनता था। अगर आपको पूछ दे कि पक्के ईंटों से क्या बना है, तो पक्के ईंट से आपको विशाल भवन बने हैं, जैसे स्नानागार सब जो बना था, आपको अन्नागार बना था, वो पक्के ईंटों से बना है। अगर आपको पूछ दे हड़प्पा कालीन सभ्यता में आपको फन्नीदार ईंटों से क्या किसका निर्माण हुआ है, तो जल निकासी का, किसका निर्माण हुआ है, जल निकासी का। अगर आपसे पूछ दे कि अलंकृत ईंटों से किसका निर्माण हुआ है, तो कालीबंगा में जो फर्श बने हुए थे, फर्श मतलब जमीन जो बनता है, घर का जो फर्श बनता है, उसका निर्माण हुआ था अलंकृत ईंटों से कालीबंगा में। ये पूछा है बार बार कि अलंकृत ईंटों का साक्ष्य आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो वो आपको कालीबंगा से मिला है। अगर आपको पूछे एल आकार का ईंट, एल आकार का ईंट आपको, ईंट का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो मल निकासी में, जहाँ पर गंदगी निकलता है, या फिर मकान के किनारे और बाहरी हिस्सों में इसका प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके डिस्क्रिप्शन की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोटि 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 धन्यवाद।